हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल और लौकी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कटोरी दाल ली है, हमने यहाँ पर भिगोई हुई दाल है ये। और उसके बाद 250 ग्राम यहाँ पर हमने लौकी लिए, जिनको हमने छिल कर कट कर लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। दो हरी मिर्ची जिनको बारीक कट कर लिया हमने यहाँ पर। एक टमाटर, एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ जिनको पीस लिया हमने। एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है। और यहाँ पर हमने अन्य मसाले लिए हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर है, जीरा है। तो ये जो है क्वांटिटी के अनुसार डालेंगे, तो वो हम आपको बता दूंगा। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गैस को स्टार्ट कर लिया और कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। सबसे पहले डालेंगे तेल, यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है। तो तेल गर्म हो चुका है, अब डालेंगे इसके अंदर हम जीरा। यहाँ पर जीरा डाल दिया है, जीरे को अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। जीरा ब्राउन हो चुका है, अब डालेंगे प्याज, अब डालेंगे हरी मिर्ची। और प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम तेल के अंदर 2 से 3 मिनट तक। प्याज हरी मिर्ची थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, अब डालेंगे इसके अंदर हम यहाँ पर हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच। ये हल्दी पाउडर डाल दिया है, हल्दी को अच्छे से पका लेंगे। तो हल्दी पक चुकी है, अब डालेंगे इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है। 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये नमक डाल दिया हमने और इनको अच्छे से पका लेंगे, मसाले को मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे आधी कटोरी पानी ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। मसाला पक चुका है, अब डालेंगे टमाटर। अब डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखी थी दाल, वो चने की दाल, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए चने की दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब चने की दाल को जो है हम 2 मिनट तक पकाएंगे। तो 2 मिनट तक हमने चने की दाल को पका लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब डालेंगे इसके अंदर लौकी और लौकी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हो चुकी है, अब डाल देंगे इसके अंदर लगभग हम 1 गिलास पानी। ये हमने पानी डाल दिया है और अब जो है इसको ऊपर से ढक्कन लगाकर हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है। तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, चना दाल और लौकी की रेसिपी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। और चलिए अभी सब्जी को हम अलग बर्तन के अंदर निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।